वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं आप लोगों के साथ इस लुक का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और इस लुक को मैंने रिक्रिएट किया इंस्पायर हो ब्यूटी को यानी ऋतिका अमरू से और ये मेरे इस सीरीज का लास्ट और सेवन डे है आप लोग अगर मैं चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जहाँ पे यू you नो know, मैं कुछ मेरे मोस्ट ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर्स के लुक को रिक्रिएट रही थी और इस लुक में इस लुक से पहले मैंने सिक्स और यूट्यूबर्स के लुक को रिक्रिएट किया अगर आप लोगों ने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सो आज के इस लुक में मैं ब्यूटीफुल सा

लेट्स गिट स्टार्ट स्वगी जब आगे देख लेंगे कि किस तरह से मैंने इस लुक को रिक्रिएट किया है और मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया ये पॉन्ट्स का लाइट मॉइस्चराइजर बहुत ही अमेजिंग लाइट वेट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है मैं इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से लाइटली मसाज करते हुए अपनी फ़ेस पे अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर सो so, आज प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैट एंड व्हाइट का ये फोटो फोकस मैट प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है पोर्स को अच्छी तरह से तो यू नो फिल करता है और बहुत ही अच्छा सा ब्लरी इफ़ेक्ट तो प्रोवाइड करता है देन यहाँ पर नेक्स्ट का ये कॉन्स्ट वन स्टॉफ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं शेड रेंज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अपने फेस पर मैं इसको अच्छी तरह से पहले फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके अप्लाई कर लूँगी एंड आफ्टर दैट अपने बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ सो so, बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने लिया है यहाँ पे फाउंडेशन का आप देख सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे बफिंग ब्रश यूज़ किया है दैट्स uh, वाई मैंने आज यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है तो अपने फेस पर अच्छी तरह से मेरे फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर लूँगी आप देख सकते हैं कितना कम क्वांटिटी लेने के बाद भी इसका कवरेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है सो uh, so, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे मे का एज रिवाइन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इट्स इन द शेड न्यूट्रलाइज़र सो ये थोड़ा येलो अंडरटोन वाइट काइंड ऑफ कंसीलर है सो so, बहुत ही अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है सो so, मैं अपने स्पॉट करेक्टिंग करूँगी और साथ ही साथ स्पेशली मैं अपने हैंड्स पॉइंट पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि फेस पर थोड़ा सा यू नो स्कल्पटिंग लुक प्रोवाइड करे क्योंकि यहाँ पे मैं क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ आफ्टर दैट मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये फोटो फोकस प्रेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ और अपने बेस को अच्छी तरह से मैं सेट कर लूँगी स्पेशली उस एरिया पे जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड इसको करने के बाद आई मेकअप करूंगी जिसके लिए मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का फॉर्चून फेवर ब्रेक पैलेट यूज़ कर रही हूँ इसमें से ये ब्लैक शेड मैंने लिया है और अपने आईब्रोज़ को पहले मैं स्पूली कर लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं इसको अप्लाई करके आईब्रोज़ uh, को डिफ़ाइन करूँगी एंड अगेन मैं इसको स्पूली करूँगी देन इस पैलेट में से मैं ये यू नो गन मेटल काइंड ऑफ अ ब्लू शेड पिक कर रही हूँ और इसको अपने लेड पे अच्छे से अप्लाई करूंगी यहाँ पे मैं स्मॉल एप्लीकेटर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से बाहर की तरफ आउटर कॉर्नर से मैं एक विंग ड्रॉ करूँगी तो ये कुछ यू you नो know, uh, मोनोक्रोमेटिक आई लुक है आप बोल सकते हैं देन सेम पैलेट में से मैं ये शिमरी सा वाइट कलर पिक कर रही हूँ और इसको अपने मिड ऑफ द लेट एरिया पे अप्लाई करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल से कंट्रास्ट इफ़ेक्ट प्रोवाइड करें देन ब्लू शेड के साथ इसको मर्च करूँगी ताकि हालो आई uh, लुक की तरह थोड़ा लुक प्रोवाइड करें जैसे कि रितिका ने अपने लुक में क्रिएट किया था दैन सेम मैं वो हाईलाइटिंग शेड पिक कर रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर ले रही हूँ ताकि आइज़ में थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट दिख सके सो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मैं अपने लैशेस को अच्छी तरह से कर्ल कर लूँगी ताकि मेरे फॉल्सिस के साथ मेरे नेचुरल लेसेस यू नो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए इधर मैं यहाँ पे ये लोरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और अपने लैशेज़ पे अच्छी तरह से मैं कोटिंग कर लूँगी मस्कारा का सो एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपने अच्छी तरह से ऊपर और नीचे के लैशेज़ पे अप्लाई करें मस्कारा एंड स्पेशली अपने लोअर लैशेस पे बिकॉज ऊपर अपर लैशेस पे आप फॉल्सिस वेयर करते हैं बट नीचे नहीं होता है तो लोअर लेश पे अच्छी तरह से कोटिंग करें एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एल्फ का ये नेचुरल ब्रोन्जर यूज़ कर रही हूँ और अपने फेस को अच्छी तरह से ब्रोजिंग कर लूँगी काफ़ी अच्छा सा स्कल्पटिंग लुक प्रोवाइड करेगा एंड स्क सन किस्ट काइंड ऑफ लुक प्रोवाइड करेगा तो अपने नोज़ को भी मैं अच्छी तरह से कॉन्ट्रोल कर लूँगी जिस तरह से रितिका अमरू अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल करती है एंड इस लुक में इतना ही स्कल्पटिंग लुक में दिखा रही हूँ एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल का ये कलर आइकन ब्लश यूज़ कर रही हूँ इट्स इन दिश शेड मेलो वाइन बहुत ही ब्यूटीफुल सा पी जी काफ़ शेड है तो अपने एपल ऑफ़ दीकस पे अपलाई करके मैं नोज पे भी ब्लेंड करूँगी दैन यहाँ पे मैं ये लैशेज व्यय कर रही हूँ और शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so, लैशेस को मैं अच्छी तरह से व्यय कर लूँगी आप देख सकते हैं बहुत विस्पी से लैशेज़ हैं सो so, आई लुक में मैंने कोई लाइनिंग नहीं किया है सिंपल सा मैंने यहाँ पे विस्पी लैशेज यूज़ किया देन अगेन सेम मैं वेटर्न वाइल का प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ और अपने कॉन्ट्रोल को थोड़ा सा और हाईलाइट करूँगी एंड यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने हैंड्स पॉइंट पे अच्छी तरह से हाईलाइटर को अप्लाई कर लूँगी आप देख सकते हैं देन हाईलाइटर अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर अपने ऑल ओवर फेस पे स्प्रे कर लूँगी एंड देन यहाँ पर मैं वेट एन वाइल का कलर आइकन लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ इट्स इन द शेड चेस्ट नट बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है इट्स काइंड ऑफ अ ब्राउन टोन न्यूड कलर लिप पेंसिल एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का एलिगेंस मेट लिप कलर यूज़ कर रही हूँ इट्स काइंड ऑफ अ यू नो पीची एंड ब्राउन टोन लिप कलर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है तो इस लिपस्टिक के साथ मेरा ये ऑल ओवर लुक कंप्लीट होता है गाइस फोटेस ट्यूटोरियल आई होप कि आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा आज के लोग जो कि मैंने रिक्रिएट किया इंस्पायर होकर कि ब्यूटी को यानी ऋतिक आमरू से इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को अच्छा लगा होगा तो फिर डेफिनेट में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सिया मिलता है नई वीडियो में नई तरीके के साथ तब तक के लिए मुझसे मिलेगी स्टे होम स्टेट सेफ बात -बा